क्या शाहीन बाग के आंदोलन की जगह बदलने से आंदोलन कमजोर होगा क्या? ये हमारा सवाल है, जवाब किसी को नहीं देना है, वो जवाब से पूछा जाएगा, तो आपको किसी को जवाब देना है, ठीक है? ये पहला सवाल है, क्या शाहीन बाग के आंदोलन की जगह बदलने से आंदोलन कमजोर होगा क्या? ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा है, अगर जगह बदलने की बात होती है तो हमारे तो हम महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरे सवाल है कि अगर जगह बदलने की बात होती है तो हम महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि आंदोलन की वजह से कुछ पब्लिक को परेशानी हो रही है, इसके बारे में हमें क्या कहना है? किसी किसी हम बैठे तो कुछ तो हमें अपनी मतलब ट्रैफिक की परेशानी जो भी है वो अपनी अपनी राय होती है, ठीक है? और चौथा सवाल है, आधा रास्ता खोलने से मसला हल होगा क्या? राय आप ही की लेंगे, वो आप ही को देना है, ठीक है? हाँ, क्या शाहीन पांचवा सवाल है, क्या शाहीन बाग के आंदोलन का रंग रूप बदलने से आंदोलन खत्म या कमजोर होगा क्या? ये हमारे पांच सवाल है जो कि हम जो है अपने हमारे जो साथी है वो 25-25 औरतों को लेके हम लोग बैठेंगे। सवाल ठीक है ना? सवाल हाँ, ये बताइए कि सवाल ठीक है क्या? ठीक है, आप लोग हाँ, जवाब आप ही के होंगे, ये सिर्फ सवाल है, जवाब आप ही के होंगे। सवाल सबको सुनाई दिए हैं क्या? रंग रूप का मतलब होता है एक तो जगह बदलना हो गया। रंग रूप का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे 24 घंटा यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आप हफ्ते में एक बार आए, वो हो सकता है हफ्ते में दो बार आए, सिर्फ शाम में आके बैठे 4 घंटा हो सकता है, आए ना, मतलब अलग अलग 10 तरीके हो सकते हैं। सवाल रखना फर्ज है हमारा, है ना? यहाँ पर वॉलंटियर्स अब ग्रुप बना लीजिए, आप जो जो वॉलंटियर्स यहाँ के हैं उस तरह का